ત્રેડેવ ને આલા યા કરને સાકો રાશન આ દીતે ને આલા જો ઉને કો ત્રેડેવે ઉને દી મિન્ના તે સાકો દીતે ને આયા ન ઉન વાર આખ્યા ને માય કે આ પતી સગે તાલા વાસે દા દીતી બને સાકો સાકો દીતી ને આલા ત્રેડેવ ને નિક બની કર કે બચ્યા આલા ઇન્ટરવ્યુ કરને બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ અસલામ અલયકુમ કેસે પ્યારે દોસ્તો ઉમીદ કરતા હું આ બિલકુલ ઠીક હોંગે અલહમદુલિલ્લાહ આપકી દુઆ સે મેં ભી બિલકુલ ઠીક હું તો આજ હમ આયે હૈ એક અમ્મા જી કે પાસ જિનકે હાલાત બહુત હી ઝ્યાદા ખરાબ થે તો મેને કુછ ऐसी फैमिलीज चुनी हैं जिनके लिए राशन का थोड़ा बहुत इंतज़ाम हो सका है, कुछ का इंतज़ाम हो सका है, कुछ का करना है। जितने हमारे बहनें देखती हैं, जितने हमारे भाई देखते हैं, वो भी हमारी हेल्प करें ताकि ऐसी फैमिलीज के पास हम जल्द से जल्द कुछ भी ना हो तो राशन तो लाजमी पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा जी, आपका कैसे गुजारा हो? बस औखा गुजारा है, जिम्मे निकल के बच्चे गुजरे दे पाया है, बस कई बोले भूखे कई बोले पड़ते खा। अच्छा, ये आपके बच्चे कहाँ हैं? जी हाँ, बच्चे हैं ना, या थे रखे, या स्कूल गए पढ़न गए बदन। अच्छा, बच्चे आपके स्कूल गए? जी हाँ, वो स्कूल पढ़न गए बदन वाला निकल के बालन, बस वो पढ़न शाम पालन। अच्छा, ये आपके कितना बच्चे हैं? मेरे जीवन सात बच्चे हैं। सात बच्चे हैं आपके? अच्छा अम्मा जी, कहते हैं कि सात बच्चे हैं और गुरबत का निज़ाम भी है, और इनके भी मैंने अंदर की जो वीडियो है वो भी मुकम्मल बनाई थी, और इनका जो है रूम का बहुत मसला बताया था मैंने, तो लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, अगर वो वीडियो देखना चाहें, कोई भाई देखना चाहे, कोई बहन देखना चाहे, वो भी आप देख सकते हैं। तो अम्मा जी, आप उनके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगी? जिन भाइयों ने हमें ये राशन के लिए पैसे दिए हैं या बहनें हमारी जो राशन के लिए हमें मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ताको दीती ने अला द्रे डे मने निक कर के बचा अला दे कर या कमरा सारा कोई नहीं, कमरा दे ये रखा दे गए न वो वीडियो पे बड़ा गए वे सर, कमरा कोई नहीं, मिया दे जो का पानी हो दे दो बस, बाहर आने आ या कोठे दे या टेंशन ने सा कोई इमदाद दीती बन। अजी, ये अम्मा जी कहते हैं कि हमारा जो रूम है वो बिल्कुल अंदर से उसका खस्ता हाल हो गया है, जो बारिश आती है तो छत के अंदर से पानी नीचे आ जाता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, आजकल तो सर्दियां वगैरह हो रही हैं तो वो कहाँ जाएंगी, बाहर बारिश अंदर भी बारिश, तो फिर अंदर बाहर बारिश ही होगी तो छोटे बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इंशाल्लाह अम्मा जी, आपको ये रूम है वो भी इंशाल्लाह जितना हो सकेगा, हमारी जो बहनें देखती हैं वो भी मदद करेंगे, और हमारे जो भाई देखते हैं इंशाल्लाह वो भी मदद करेंगे। छोटा रूम हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हिफाजत वाला हो, बच्चे हिफाजत से रहें, वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। चलो, ये कुछ कह नहीं है, बिस्तर है, कपड़ा है, इंदी मदार करें उन्होंने मिन्नत है। ये कहते हैं कि हमारे जो बिस्तर वगैरह हैं वो भी नहीं है, तो बिस्तर और कपड़े वगैरह जितना हो सके वो भी हमारी हेल्प कीजिए। वो देवर अल्लाह दरे देव ने सारे घर बिस्तर पूरा का नहीं, घर बाल बच्चे आने ने रखा है, वो इनमें तो बिस्तर पूरा नहीं थी, मोल घिना दस्ती को नहीं मांग गया ना छमनी कपाह सारी इतनी का नहीं, वो घर वाला है तो मजदूरी करने दिहाड़ी मसे जो सौ दिन पूरा। अजी, वो कहते हैं कि हमारा जो खामद है वो मजदूरी करता है, और वो भी इतना मजदूरी करता है कि बस मुख्तसर सा राशन आ जाता है, क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई तो आलमी सतह पे है, लेकिन जो मजदूर आदमी है वो कुछ नहीं कर सकता। जितना हो सके आप इन लोगों की मदद करें जितना भी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, इजाज़त दीजिए मोहम्मद इजाज़ को, अल्लाह हाफिज़।